जो खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को BHU पहुंचे, जहां उन्होंने IIT BHU के 100वें ग्लोबल एल्युमिनाई मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी की तरह IIT BHU को पुरातन आत्मा के साथ आधुनिक काया लेनी होगी। आने वाले 100 सालों में देश के भविष्य के लिए विजन तैयार करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र किया और कहा, स्वच्छता से स्वास्थ्य, जीवन स्तर और नारी गरिमा में सुधार हुआ है। गोरखपुर सहित पूर्वोत्तर UP में इंसेफ्लाइटिस बीमारी का जिक्र कर स्वच्छता के जरिए से निजात के बारे में बताया। सरकार कोई बीमारी होती है, सरकार उसके उपचार की व्यवस्था कर सकती है, उस प्रकार के साधन उपलब्ध करा सकती है। इस बीमारी में भी ऐसे ही हुआ। हमने वहां उसके लिए एकेडमिक वार्ड बनाए, उसके लिए वहां पर अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए, सब कुछ उपलब्ध कराया। लेकिन हम लोग उसकी बीमारी की तह में जाना चाहते थे कि बीमारी का कारण क्या है और फिर इसका निवारण क्या है। हम लोगों ने गोरखपुर में NIV पुणे का एक केंद्र भी बनाया, वायरोलॉजी सेंटर बनने के बाद भी हम लोग लगातार, मैं उनके संपर्क में रहता था कि बीमारी का कारण बताओ। अगर प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो काफी हद तक इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। संजोग था कि मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंप दिया। अब मैं सड़कों पे आंदोलन करता था, अब दायित्व मेरे ऊपर ही आ गया, तो मैंने कहा भाई अब तो मुझे ही इसके बारे में देखना है। और मैंने इन्हीं दो मुद्दों को फोकस किया। मैंने अपने यहां ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तैयार किया। मैंने कहा स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग होगा, इसके साथ नगर विकास, ग्राम्य और पंचायती विभाग, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा विभाग, इन सबको एक साथ जोड़ करके मैंने कहा एक अभियान चलाओ इसके लिए, स्वच्छता के लिए भी और शुद्ध पेयजल के लिए भी। 1.5 वर्ष में स्वच्छता के लिए और शुद्ध पेयजल के लिए जो अभियान चला उसका परिणाम क्या था? अगस्त महीने में 1978 से लेकर के 2017 तक कोई महीना ऐसा नहीं था जब गोरखपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एक छत के नीचे 500 से लेके 1000 मरीज भर्ती न होते हों और 200 से लेके 500 मौतें न होती हों। अकेले एक महीने के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन 2017 में जब हम लोगों ने अभियान प्रारंभ किया, अप्रैल 2017 से हमारा अभियान प्रारंभ हुआ, हमने वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वच्छता पर और शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया। 2018 में मात्र एक वर्ष डेढ़ वर्ष के अंदर ही परिणाम हम सबके सामने थे। 1978 से 2017 तक जो आंकड़े मैंने आपको बताया कि अकेले अगस्त महीने में भर्ती मरीज होते थे 500 से लेके 1000 तक और मौत भी होती थी 200 से लेके 500 तक एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल से जुड़े हुए जितना भी तराई का क्षेत्र था, यहां से सारे पेशेंट आते थे, उनकी मौतें होती थी, मरने वाले सभी बच्चे होते थे, 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे होते थे। और विगत वर्ष जब हम लोगों ने एक साथ सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम क्या था कि अगस्त महीने में गोरखपुर के उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में केवल 86 मरीज भर्ती हुए और कुल 6 मौतें हुई हैं। यह एक उदाहरण केवल एक बीमारी के लिए मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, व्यापक कार्य प्रारंभ किया, व्यापक रूप से इसे आगे बढ़ाया। लेकिन इसकी अभी चुनौती बाकी है और वह है कैसे हम
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और सरलीकरण करके कैसे हम लोगों के जीवन को इसके साथ जोड़ सके, इस पे व्यापक कार्य हो सकता है। मैं इस समय एक कार्य के लिए, मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और वह है, जब मैं आया था तो उस समय एक बात की चर्चा बराबर लोग करते थे, कहते थे साहब जहां जाओ वहां पर इल्लीगल स्लॉटरिंग हो रही है। तुमने कहा भाई इल्लीगल स्लॉटरिंग पूरे प्रदेश के अंदर बंद करवाओ। हम लोग एक झटके में उसको बंद करवाया। वो बंद तो हो गया, लेकिन बंद होने के बाद लोगों ने जितने निराश्रित गोवंश थे सब सड़कों पे छोड़ दिए। अब उसके नाम पर गाली मुझे देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा भाई इनके संरक्षण की कोई व्यवस्था करो। क्या तकनीक को हम इस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं? हमने उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 6 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिए। क्या यह हो सकता है कि हम हर गांव में निराश्रित गोवंश को एक जगह गो संरक्षण केंद्र में सुरक्षित रखें, उनके खाने, उनके सारी सुविधाएं वहां दें, उनके उन्नत नस्ल के लिए कार्य उस क्षेत्र में हमने प्रारंभ भी किया है। लेकिन जो गाय ब्याह नहीं सकती, कोई संभावना नहीं है, कम से कम उसका गाय का गोबर और गोमूत्र से तो हम बहुत कुछ उससे बना सकते हैं। वो ऊर्जा का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। क्या इस पर शोध हो सकता है कि हम गांव में 300, 400, 500 गोवंश को एक जगह रख करके और पूरे गांव को गाय के गोबर से अच्छा कंपोस्ट भी उपलब्ध करवा दें और उसके ईंधन की आपूर्ति उसी गोबर गैस प्लांट से गांव को उपलब्ध करवा दें। उज्ज्वला योजना का जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसको किसी एलपीजी से जुड़ा हुआ जो उनका स्टेशन है वहां न जाना पड़े, बल्कि वह जाए और जहां गोबर गैस प्लांट बना हुआ है वहां पर रिफिलिंग की सुविधा उसको उपलब्ध हो जाए, जिसमें हम मीथेन और CO2 को अलग अलग करके और वहां पर उसको इस सुविधा उपलब्ध करा दें, तो हमारी गोवंश की आस्था का सम्मान भी हो जाएगा और साथ साथ उसकी ईंधन की आपूर्ति भी आप कर पाएंगे। और देश के अंदर हम लोग जैविक खेती को भी बढ़ावा इसके माध्यम से दे सकते हैं। खर्चे बचे, स्वास्थ्य का खर्चा बचा है, नारी गरिमा की रक्षा इससे हुई है और लोगों के जीवन स्तर में किस रूप में वृद्धि हुई है। मैंने इसको बहुत नजदीक से महसूस किया। हम जब उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर नजर डालते हैं, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया का कुछ पार्ट आता है, या फिर नॉर्थ वेस्ट बिहार का या नेपाल की तराई का, पिछले 40 वर्षों से मैं उस क्षेत्र को देखता था और उन क्षेत्रों में एक बीमारी वहां के मासूम बच्चों को निगल जाती थी। बड़ी मात्रा में मौतें होती थी, बड़ी मात्रा में मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर में एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 700, 800, 1000, 1100 मौतें एक वर्ष में होती थी एक बीमारी से। अन्य बीमारियों को छोड़ दें, अन्य के आंकड़े समाप्त करिए, केवल एक बीमारी से, और वह थी इंसेफ्लाइटिस से। 1998 में मैं गोरखपुर का सांसद बना तो मुझे मेडिकल कॉलेज का मैं ऐसे ही विजिट करने के लिए गया। बहुत खराब स्थिति थी, कोई वर्ष ऐसा नहीं था 1998 से लेकर, यानी 1978 में बीमारी पहली बार आई थी और 1998 में पहली बार जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने उस मेडिकल कॉलेज का विजिट किया था। खाद्यान्न पहुंच नहीं पाता है और एक खाद्यान्न उस तक पहुंचाना है, तो मैंने ये प्रस्ताव कैंसिल किया। मैंने कहा पहले सर्वे करो और ये मालूम करो कि कितने ऐसे पात्र लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
और कितने ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पे नहीं है लेकिन उनके नाम पर फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे राशन कार्ड पकड़े गए जिनका कोई था नहीं लेकिन वह कोटेदारों के पास वे सारे राशन कार्ड मौजूद थे, वह इनके नाम पर खाद्यान्न निकालते थे और खाद्यान्न हजम कर जाते थे। क्योंकि जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी कोटे की दुकानें हैं, इन दुकानों में खाद्यान्न बहुत सस्ता दिया जाता है। 2 रुपए किलो चावल है, 3 रुपए किलो गेहूं है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें व्यापक चोरी थी। तो हमने कहा भाई ये काम करो कि क्या ये हो सकता है कि स्मार्ट कार्ड बनाने की बजाय हम सामान्य कागज में ही उसको एक कार्ड बना करके दें। राशन कार्ड सामान्य कागज में बना देंगे 5-7 पैसे का वो पड़ जाएगा, भाई 10 रुपए की बजाय 5-7 पैसे में अगर वो राशन कार्ड एक सामान्य उसमें बढ़े और उसको आधार से हम जोड़ दें और फिर आधार के साथ 13,000 दुकानें शहरी क्षेत्र में थी। तो हमने कहा शहरी क्षेत्र में कम लगेगा, कम मशीनें लगे, ई पॉस मशीन लगा दीजिए और ई पॉस मशीन को आधार से जोड़ो, आधार को उनके राशन कार्ड से जोड़ लो और एक स्वतंत्रता दे दो कि कोई भी लाभार्थी किसी भी दुकान से जाके अपना खाद्यान्न ले ले। आप आश्चर्य करेंगे केवल 13,000 दुकानों पर हमें 110 करोड़ रुपए साल की बचत केवल इससे होने लग गई प्रदेश को। और वर्तमान में हमारे लगभग अन्य जो 67,000 दुकानें उन पर एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा अनुमान है कि हम फरवरी के अंत तक प्रदेश के अंदर सभी अपनी 80,000 दुकानों में ईपॉस मशीन लगा देंगे। जहां एक तरफ सरकार वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेन लाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो साइकिल से दूसरे शहर का सफर करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के अंशु अग्रवाल की, जो दूसरे शहर का सफर साइकिल से तय करते हैं। अपने 4 दिन के सफर के बाद वो वाराणसी पहुंचे जहां वो मीडिया से मुखातिब हुए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने फिटनेस पे काफी ध्यान दें। 42 वर्षीय अंशु अग्रवाल लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर वाराणसी के BHU पहुंचे। अंशु ने वाराणसी पहुंचकर मीडिया से बात की और बताया कि साइकिल से चलना भी फिटनेस के प्रति एक पेंशन है और लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी लोगों के जीवन में परिवार और काम है। जिम्मेदारियां बढ़ने से लोग हेल्थ पर कम ध्यान देते हैं जिससे शरीर में थकावट के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा समय अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए निकाले तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर स्थित एक गोदाम में चोरों ने रखे माल पर हाथ साफ कर दिया। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज चौकी के पास एक गोदाम में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक के अनुसार हर दिन की भांति वह सुबह अपने गोदाम पर देखने आए तो ताला टूटा हुआ नजर आया। उसके उपरांत दुकान मालिक ने अंदर जाके देखा तो दुकान का सामान अस्त व्यस्त था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान मालिक की माने तो चोर लगभग 80,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किए हैं। हमारा यहाँ पैसा 2 दिन पहले अगर रखा हुआ था इसमें। कितना पैसा लगभग था? 85,000 के आसपास। कैसे घटना घटी, आपको कैसे पता चला कि ये टूटा हुआ है? फिर सवेरे आ जाए अपने गोदाम से माल निकालने के लिए कि चले दुकान लगाए तो आ करके देख रहे हैं कि सब टूटा फूटा है। यहाँ डोर में जिसने पैसा रखे थे सब फेंका हुआ था, बाकी एक भी बैग किसी ने नहीं लेके गया है, केवल पैसा गया है। नजदीकी थाने में सूचना दिया आपने? अभी तक तो नहीं दिया है, अभी हमारे भैया भी आ जाए तो जो होता है देखते हैं क्या करना है। केवल कैश गया है, साइज में रखा था।